हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो प्रीवियस क्लासेस के अकॉर्डिंग ही रहेगा। क्या पढ़ने वाले हैं अपन? प्रीवियस ईयर के एम्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके, जो अपकमिंग एग्जाम में आने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी। प्रैक्टिकल बेस्ड एमसीक्यू जो हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं, उनके साथ साथ हम कुछ एमसीक्यू थ्योरेटिकल भी लाने वाले हैं जो आपके प्री में काम आएंगे। साथ साथ में प्री के साथ में जो बच्चे केजीएमयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं वो। बाकी के कुछ सिक्वेंशियल अपने एमसीक्यूज रहेंगे कि सिक्वेंस वाइज आपका यहाँ पे नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा, इस प्रकार के अपने यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, अपना बाकी कंटिन्यू आगे क्लासेज भी फर्दर ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी। और इसी के साथ ही मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि आरएनसीसी की ओर से आरएनसीसी की ऑफिशियल ऐप पे, जो कि एंड्रॉइड के लिए भी है और आईओएस के लिए भी है, ठीक है, तो वहां पे हम क्या शुरू कर चुके हैं, वहां पे टोटल नॉर्सेट स्पेशल हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की है। लाइक प्रीवियस काफी अच्छा रिजल्ट रहा हमारी टेस्ट सीरीज का, उसी प्रकार से इस साल भी, इस बार भी, इस वाले नॉर्सेट में भी हमने वापस से टेस्ट सीरीज लॉन्च की है हमने। उसमें आपको क्या मिलेगा, डेली 2 टेस्ट आपको सोल्व करने को मिलेंगे, लाइव टेस्ट रहेंगे, ठीक है, मॉर्निंग एंड इवनिंग टेस्ट रहेंगे अकॉर्डिंग टू शेड्यूल। अभी मैं आपको शेड्यूल बता दूंगा इसके बारे में। ओके, जो टेस्ट रहेंगे वो किस प्रकार के रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज रहेंगे, टॉपिक वाइज रहेंगे, और वीकली जो हम टेस्ट कराएंगे वो कैसे करेंगे, प्री नॉर्सेट स्पेशल टेस्ट वहाँ पे रहेंगे टोटल। अभी तो जैसे 100 एमसीक्यूज हो गए, तो उस प्रकार के आपको प्री और मेंस के यहाँ पे टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। डेली आपका रिजल्ट एनालिसिस मिलेगा 500-600 स्टूडेंट्स के अंदर, आपकी रैंक क्या रहती है, ठीक है, आप क्वालिफाई होते हो नहीं होते हो, और रैंक क्या रहती है, आपको रैंक से आपका क्या चॉइस ऑफ एम्स आपको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है वो आपको पता लग जाएगा। और एमसीक्यूज जो हमने बनाए हैं, प्रिपेयर किए हैं, तो एनक्लेक्स का जो पैटर्न है उस पर, और प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस्ड, लाइक वो किन किन टॉपिक्स में से एमसीक्यूज चूज कर रहे हैं उनसे प्रैक्टिकल कॉन्टेंट हमने वहाँ पे इंक्लूड किया है। और यहाँ पे साथ साथ में रेशनल्स हमने इतने अच्छे दिए कि आपको थ्योरी अलग से पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी जिन टॉपिक से हम यहाँ पे एमसीक्यूज हमने बनाए हैं। ओके, अभी मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ इसका। तो टोटल टेस्ट सीरीज आपको किस नाम से मिलेगी हमारी ऐप पे, नॉर्सेट स्पेशल टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको। टोटल इसके अंदर 150 टेस्ट पेपर रहेंगे, 2 लाइव टेस्ट मिलेंगे आपको डेली, एक मिलेगा मॉर्निंग में, एक मिलेगा इवनिंग में। सपोर्टिव नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, सपोर्टिव नंबर क्या है, 9588 5674, ठीक है, इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हो। टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग आपकी जो भी क्वेरीज वगैरह हम वहाँ पे आपकी कंप्लीट कर देंगे। और ये जो स्केड्यूल आपको दिख रहा है ये आपका नॉर्सेट 5.0 स्पेशल के लिए है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया, वीकली टेस्ट सीरीज 100 एमसीक्यूज की, उसके साथ में जैसे 7th and 8th of August को हमने क्या यहाँ पे कंडक्ट करवाया था, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के एमसीक्यूज यहाँ पे सोल्व कराए थे, फिर रेस्पिरेटरी के, फिर न्यूरो सिस्टम के, फिर बाद में वीकली हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, प्री नॉर्सेट 5.0 की स्पेशल टेस्ट सीरीज हम यहाँ पे वो भी आपको करने को दे रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी और टॉपिक वाइज भी आपको जो है वो एमसीक्यूज फर्दर मिलते जाएंगे, ठीक है। अगस्त मंथ का पूरा स्केड्यूल है, टिल नॉर्सेट आपका ये टेस्ट सीरीज कंटिन्यू रहेगा। और जो बच्चे केजीएमयू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए केजीएमयू के लिए भी टेस्ट सीरीज चलाई गई है। केजीएमयू के अंदर क्या बताया गया, 100 एमसीक्यूज आपको वहां पे देखने को मिलेंगे, उसमें से 60 तो आपको रहेंगे नर्सिंग के एमसीक्यूज एंड 40 एमसीक्यूज मिलेंगे आपको अदर सब्जेक्ट से। तो इस प्रकार से भी आपको वहां पे हमारी अलग से टेस्ट सीरीज बनाई हुई है स्पेशली फॉर केजीएमयू स्टूडेंट। तो अभी आपका ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, बस ये इन्फॉर्मेशन जरूरी थी आप सभी को बताने के लिए ताकि आप अपना प्रिपरेशन का बेस्ट दे सकें, ठीक है। तो एमसीक्यू है अपना, पहला एमसीक्यू है, ड्यूरिंग विजिटर आवर्स द नर्स फाइंड ए विजिटर अनकॉन्सियस ऑन द फ्लोर। विजिटर आवर्स के टाइम पे नर्स फाइंड कर रही है, नर्स देख रही है कि एक विजिटर है जो क्या हो गया, अनकॉन्सियस हो गया और वो फ्लोर पर है ऑफ पेशेंट रूम, पेशेंट रूम के फ्लोर पर वो गिर चुका है या फिर लेटा हुआ है या फिर जो देख रही है तो मतलब वो लेटा हुआ है। विच नर्सिंग असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट द नीड फॉर कार्डियोपल्मोनरी रिसेसिटेशन। तो एज ए नर्स आप कुछ असेसमेंट्स करते हो तो कौन सा असेसमेंट ये इंडिकेट करेगा कि उसे सीपीआर की नीड है। आप क्या देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ क्लाइंट को अभी सीपीआर की नीड है, नहीं तो आगे प्रॉब्लम बढ़ सकती है क्लाइंट के लिए। ऑप्शंस क्या है, गैस्पिंग रेस्पिरेशन एंड पल्सलेसनेस, पेशेंट को
ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है और पल्सलेसनेस आ रहा है, पल्स नहीं मिल रही अपने को, स्लो रेस्पिरेशन एंड थ्रेडी पल्स, एकदम कम स्लो रेस्पिरेशन कर रहा है और पल्स भी किसी थ्रेडी है, वीक है। प्यूपिलरी चेंजेस एंड रैपिड पल्स, उसके पिपिल्स में चेंजेस आ रहे हैं और पल्स है वो क्या है, रैपिड है। रैपिड रेस्पिरेशन एंड स्लो वीक पल्स, वो फास्ट फास्ट रेस्पिरेशन कर रहा है और पल्स उसकी वीक है और स्लो है। कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जिसे आप देख के लगता है कि इसको सीपीआर देने की नीड होती है? एम्स के अकॉर्डिंग आपका मेंस का जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग ये एमसीक्यू एकदम फिट बैठता है। वहाँ पे आपको ऐसे प्रैक्टिकल बेस ऐसे सिनेरियो बना के आपको एमसीक्यू पूछने वाले हैं, तो आप उसकी उसकी प्रैक्टिस के लिए प्रिपेयर रहें। तो देखिए यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन है जो इंडिकेट करता है सीपीआर के लिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे एकदम करेक्ट बैठ रहा है। क्यों बैठ रहा है? क्योंकि देखो गैस्पिंग का क्या मतलब होता है, डिफिकल्ट ब्रीथिंग करना, मतलब उसको ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, ब्रीथ ढंग से ले भी नहीं पा रहा है, बस अपने मुंह को भी खोल रहा है, सांस लेने की कोशिश कर रहा है वो, ठीक है, बट वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा है, गैस्पिंग में चला गया है पेशेंट। तो एक तो तब साथ में उसके क्या है, पल्स लेसनेस, मतलब किसी भी प्रकार की पल्स फील नहीं हो रही है, मतलब उसको क्या हुआ, कार्डियक अरेस्ट हुआ है। ऐसे पेशेंट के लिए हम क्या करते हैं, सीपीआर हम इमीडिएटली हमें स्टार्ट करना होता है। और अब देखो नेक्स्ट यहाँ से एमसीक्यू बनेंगे, बहुत सारे एमसीक्यू बनेंगे, मैं आपको एक एक एमसीक्यू बताने वाला हूँ, सीपीआर नहीं पढ़ाऊंगा, बस आपको मैं एमसीक्यूज बताऊंगा कहाँ से एमसीक्यू बनेगा सीपीआर में और बनता भी है। जो पहले एग्जाम दे चुके हैं उन्हें पता होगा अच्छे से कि एमसीक्यू कहाँ से बनते हैं। तो देखो पल्स लेसनेस से फर्स्ट एमसीक्यू बनेगा आपका कि कितनी देर अपने को पल्स ले, आपको पल्स फील करनी है। तो एमसीक्यू नंबर 1, कितनी देर तक पल्स फील करनी है, तो 5 to 10 सेकेंड मैक्स, ठीक है, 10 सेकंड से ज़्यादा आपको पल्स फील करने की यहाँ पे नीड नहीं है। आपको पल्स अगर नहीं मिलती है तो आपको इमिडिएटली यहाँ पे सीपीआर शुरू कर देना है। अब देखिए क्लाइंट क्या हो गया है, अनकॉन्सियस हो गया है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सेकेंड एमसीक्यू, अनकॉन्सियस क्लाइंट, इसके लिए आपको क्या करना है, एयरवे ओपन करना पड़ेगा। एयरवे ओपन करने के लिए कौन सा मैन्यूवर काम में लोगे, तो मैन्यूवर का नाम क्या होता है, जो थ्रस्ट मैन्यूवर। ओके एमसीक्यू नंबर 2। इसके बाद में नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट जो एमसीक्यू बनेगा वो बनेगा हमारे कलर कोड से, इस सीपीआर के टाइम पे या फिर कार्डियक अरेस्ट के टाइम पे कौन सा कलर कोड आपका एक्टिवेट होता है, तो ब्लू कलर कोड। ब्लू कोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा थर्ड एमसीक्यू। एक एमसीक्यू से अपन ने 4 एमसीक्यू सोल्व कर लिए हैं ऑलरेडी। इसके बाद में नेक्स्ट एमसीक्यू जो बनेगा, अगर यही कार्डियक अरेस्ट किसमें आए, इन्फेंट में या फिर पीडियाट्रिक एज के अंदर, इसके लिए कलर कोड क्या रहेगा, इसके लिए कलर कोड रहेगा अपना पिंक कलर कोड। ये ध्यान रखना बच्चों के लिए, और यहाँ पे एडल्ट के लिए थोड़ा कलर कोड अपन अलग रखते हैं। नेक्स्ट देखिए एक सिनेरियो बेस एमसीक्यू बनता है यहाँ से, कि एक क्लाइंट है जो रोड साइड में अनरेस्पॉन्सिव है, ठीक है, एमसीक्यू में बना देता हूँ यहाँ पे रोड साइड में, अनरेस्पॉन्सिव है, गैस्पिंग कर रहा है, पल्सलेसनेस आ रही है, अपना ऑप्शन नंबर 1 अपन यहाँ पे पूरा बिठा देते हैं। तो आप नर्स की एज ए नर्स या फिर एज ए विक्टिम, आप जिसने भी देखा उसको सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी क्या है, क्या वो वहीं पे सीपीआर देना शुरू करेगा या फिर एम्बुलेंस को बुलाएगा या फिर जो भी करेगा, तो सबसे पहले आपका आंसर क्या होना चाहिए, सेफ्टी। सेफ्टी को आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है, तो यहाँ पे सीपीआर भी देना है आपको, बट सीपीआर से भी पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, सेफ्टी, सेफ जगह पे उसको पहुंचाना है क्लाइंट को। एमसीक्यू सारे बने हुए हैं इसलिए मैं इसको यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्म के अंदर ही लिख रहा हूँ। नेक्स्ट एमसीक्यू इससे क्या बनेगा, देखिए नेक्स्ट देखिए चेस्ट कंप्रेशन, वो भी किसमें, एडल्ट के अंदर, कि एडल्ट के अंदर चेस्ट कंप्रेशन क्या रखना चाहिए, तो 30:2।
अगर सिंगल क्लाइंट है या डबल क्लाइंट है वो इसको कंप्रेशन दे रहे 30:2। नेक्स्ट एमसीक्यू, नेक्स्ट देखिए, ध्यान में रखिए कि चेस्ट कंप्रेशन होना चाहिए वो पर मिनट कितना होना चाहिए। तो कंप्रेशन पर मिनट, 1 मिनट में कितने कंप्रेशन देने चाहिए, तो 100 to 120 कंप्रेशन 1 मिनट में चले जाने चाहिए। और नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है इसके रेशियो को लेके। अगर एडल्ट है, चाइल्ड है और इन्फेंट है, अगर सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिंगल पर्सन की, तो क्या रेशियो जाएगा आपका, 30:2। अगर यहाँ पे पर्सन को कितने हैं, डबल है, तो डबल पर्सन में कितना जाएगा एडल्ट के लिए, 30:2, और डबल पर्सन में चाइल्ड के लिए 15:2 एंड इन्फेंट के लिए 15:2 का ये अपन यहाँ पे क्या रखते हैं, रेशियो रखते हैं। नेक्स्ट यहां से इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा क्या, नियोनेटल रिससिटेशन। रेशियो ये कितना होना चाहिए, तो ये होना चाहिए 3:1। 3 तो होता है कार्डियक कंप्रेशन और 1 होता है क्या, वेंटिलेशन। ये ध्यान में रखना है, ये नया एमसीक्यू है, एम्स में पूछा भी जा चुका पहले से। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या बनेगा सीपीआर से, आपको पल्स असेस करने का टाइमिंग मैंने आपको बताया था कितना होना, किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। पल्स को अपन जो असेस करते हैं वो 10 सेकंड से ज्यादा आपको असेसमेंट उसका नहीं करना है। तो देखिए, एडल्ट में आप कहाँ पल्स असेस करोगे, एडल्ट के अंदर हम करेंगे कैरोटिड, चिल्ड्रन के अंदर फीमोरल एंड इन्फेंट के अंदर हम कहा क्या करेंगे, ब्रेकियल आर्टरी। ब्रेकियल को प्रायोरिटी देनी है, ब्रेकियल नहीं है तो आप, ब्रेकियल अगर नहीं फील हो रहा तो एक बार आप फिमोरल पे भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट प्रायोरिटी आपको किसको देनी, देके जाना है ब्रेकियल को, देके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या बनेगा सीपीआर से, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की ओर से फॉर्मूला क्या रहता है सीपीआर का, फॉर्मूला रहता है CAB। सी का क्या मतलब होता है, सर्कुलेशन कंप्रेशन, फर्स्ट इंटरवेंशन रहेगा आपका, उसके बाद में आपका एयरवे, उसके बाद में आपका ब्रीथिंग, ठीक है। ये ध्यान रखना, CAB एमसीक्यू बना हुआ है, पूछा भी जाता है कई बार। अब एक बार के अंदर साइकिल कितनी होनी चाहिए सीपीआर की, 5 साइकिल, ठीक है। सीपीआर शुरू करने से पहले 5 साइकिल आपको 30:2 के अंदर आपको कंप्लीट, और 100 कंप्रेशन to 120 कंप्रेशन आप वाली रेश आपका कंप्लीट 5 साइकिल होना चाहिए। आफ्टर 5 साइकिल आपको क्या करना है, पल्स असेस करनी है, ठीक है। वो भी कितने टाइम तक, नॉट मोर देन 10 सेकंड तक। अगर पल्स आती है तो ठीक है, नहीं पल्स आती है तो वापस से साइकिल आपको स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट एमसीक्यू इससे बनता है, वो एग्जाम में पूछे गए हैं सारे के सारे एमसीक्यू, ठीक है। ये पल्स असेसमेंट वाला आपका पीजीआई के अंदर, जिपमेर के अंदर ये एमसीक्यू पूछा हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है रिकमेंडेड डोज ऑफ एपिनेफ्रिन ड्यूरिंग सीपीआर इन इन्फेंट। इन्फेंट है और उसको क्या देना है, एपिनेफ्रिन देना है, तो क्या रिकमेंडेड डोज रहेगी इसकी। अच्छा एमसीक्यू है, पूछा गया भी है, तो 0.1 to 0.3 ml per kg, ये इसकी क्या रहती है, डोज रहती है। डायल्यूशन करोगे इसका तो कितना आ जाएगा, 1:10,000 का इसका क्या आ जाएगा, रेशियो आ जाएगा। सेम एमसीक्यू एक और बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट से, कि सोडियम बाइकार्बोनेट के यहाँ पे डोज क्या रखोगे,
वो रखते हैं अपन 1 to 2 मिली इक्विवेलेंट पर केजी। चलिए लास्ट एंड फाइनल आंसर एमसीक्यू इसके लिए कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीपीआर क्या होता है, रिब फ्रैक्चर। ठीक है, तो हमने बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं इसी एक एमसीक्यू में से। अभी अपन आगे मूव ऑन करते हैं अपने फर्दर एमसीक्यू के लिए, नेक्स्ट एमसीक्यू। ए चाइल्ड प्रेजेंटेड विद एविसरेशन ऑफ बोवेल लूप्स कमिंग आउट ऑफ ए डिफेक्ट इन एब्डोमिनल वॉल राइट टू द एम्बिलिकस। ठीक है, ये क्या है, अपना एम्बिलिकस वाला पार्ट है और इस एम्बिलिकल पार्ट के राइट साइड में से क्या आपको देखने को मिल रहा है, एविसरेशन हो रहा है, आउटवर्ड निकल रहा है क्या, बोवेल लूप्स, मतलब कुछ पार्ट बोवेल का बाहर आपको निकला हुआ दिखाई दे रहा है। ड्यू टू डिफेक्ट क्या है, बच्चे में एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है और कहाँ से निकल रहा है, राइट साइड ऑफ एम्बिलिकस। द पॉसिबल डायग्नोसिस इज, तो ये क्या पॉसिबल डायग्नोसिस हो सकता है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑम्फेलोसिल, एम्बिलिकल हर्निया, गैस्ट्रोस्काइसिस या फिर पैटेंट उराकस। क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पे, क्या रहेगा अपना आंसर। देखो यहाँ पे एविसरेशन हो रहा है, बोवेल लूप्स बाहर आते हुए आपको दिखाई दे रहा है और एब्डोमिनल वॉल से आ रहा है। ठीक है, इन तीनों आपको वर्ड्स पे आपको ध्यान में रखना, एब्डोमिनल वॉल से आ रहा है, एम्बिलिकस के राइट साइड में एब्डोमिनल वॉल से आ रहा है, एविसरेशन हो रहा है किसका, बोवेल लूप्स का। तो बस इसी लाइन पे आपका एमसीक्यू का आंसर बनेगा अभी। तो ये जो कंडीशन होती है इसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोस्काइसिस। क्या रहेगा अपना आंसर, गैस्ट्रोस्काइसिस का कुछ क्राइटेरिया होता है, देख लीजिए इसका क्राइटेरिया क्या होता है। एब्डोमिनल कंटेंट स्लिप्स आउटसाइड विदाउट ए शेक। एब्डोमिनल कॉन्टेंट है वो बाहर निकल रहे हैं एब्डोमिनल कैविटी से, ठीक है, बट इसके ऊपर किसी भी प्रकार की सेक नहीं मिलेगी आपको एमनियोटिक कैविटी की, या फिर आप कह सकते हो कि इसके ऊपर कोई किसी प्रकार की आउटर कवरिंग नहीं देखने को मिलती है। जबकि ओम्फेलोसील के अंदर क्या होता है, आउटर कवरिंग आपको देखने को मिलती है और ये कहाँ से निकलता है, एम्बिलिकस एरिया से। ओम्फेलोसील क्या होता है, सबसे पहला एमसीक्यू इससे बनेगा, तो क्या बनेगा, एम्बिलिकल रिंग के अंदर डिफेक्ट होता है। सेकेंड इससे क्या बनेगा, एब्डोमिनल कंटेंट प्रोट्रूड इनटू पेरिटोनियल सैक। ओम्फेलोसील के अंदर क्या होता है, एक पेरिटोनियम सैक के अंदर जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो बाहर निकलेंगे, मगर ये डायरेक्ट जो आउटर एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या रहती है, पेरिटोनियम की एक सेक रहती है, झिल्ली रहती है इसके ऊपर, ठीक है। मगर गैस्ट्रोस्काइसिस के अंदर वो डायरेक्टली एब्डोमिनल वॉल के अंदर डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट जो है बोवेल जो है वो बाहर आते हुए दिखाई देती है, इसे हम बोलते हैं गैस्ट्रोस्काइसिस, नॉट कवर्ड बाय एमनियन। अगर आप इसका यूएसजी वगैरह आप देखोगे तो आपको इसके अंदर, अगर अभी मदर बच्चे की डिलीवरी नहीं हुई है और आप देखोगे तो इसके ऊपर किसी प्रकार का एमनियन नहीं कवर किया हुआ रहेगा, ठीक है। मगर ओम्फेलोसील की कंडीशन, अगर ये तो दोनों ही बर्थ डिफेक्ट है, ठीक है, तो ओम्फेलोसील के अंदर आपको कवरिंग मिलेगी और जब आप बिफोर बर्थ इन दोनों को ही देखोगे तो इसमें कवरिंग नहीं मिलेगी, ओम्फेलोसील में कवरिंग आपको देखने को मिलेगी। और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे, जब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ट्रीटमेंट करने के बाद में क्या देखने को मिल सकता है आपको, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। एज ए कॉम्प्लिकेशन, ओके, ये कुछ एमसीक्यूज थे जो
इसके डिफरेंस से आपको पता लग सकता है। अभी आप इस इमेज के अंदर इन दोनों को क्लियरली विजिबल कर सकते हो। आपको जो राइट साइड, आपको जो लेफ्ट साइड के अंदर जो दिख रहा है वो क्या है, ऑम्फेलोसिल, एंड इधर राइट साइड में क्या है, गैस्ट्रोस्काइसिस। तो देखिए यहाँ पे क्राइटेरिया इसका क्या है, लेटरल टू अम्बलिकस ऑफन टू द राइट। गैस्ट्रोस्काइसिस जो है वो मोस्ट कॉमनली राइट साइड के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा और अम्बलिकस के लेटरल साइड में देखने को मिलेगा। प्लस नो कवरिंग ऑफ मैमरेन, यहाँ पे इसके ऊपर किसी प्रकार की मैमरेन नहीं रहेगी, बट देयर कुड बी फाइब्रस मैटर, फाइब्रस मैटर यहाँ पे हो सकता है। अम्बिलिकल रीजन के अंदर किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि इसके अंदर होता क्या है, ये तो एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट की वजह से हो रहा है। अब देखो ऑम्फेलोसिल के अंदर क्या होता है, ऑम्फेलाइटिस आपने वर्ड सुना होगा, जिसमें क्या होता है, इन्फेक्शन इंफ्लामेशन ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, तो ऑम्फेलोसिल भी अम्बिलिकल से थोड़ा आपको कनेक्ट करना है। ठीक है, सेंट्रल थ्रो अम्बिलिकल रिंग, ये सबसे पहले जो कहाँ से निकल रहा है, अम्बिलिकल रिंग से निकल रहा है। कवर्ड विथ ए थिन मेम्ब्रेन, ये क्या रहता है, कवर्ड रहता है थिन मेम्ब्रेन से, मगर ये थिन मेम्ब्रेन जो है एकदम पतली होती है, तो रैप्चर होने के चांसेस इसमें भी रहते हैं। तो ये दोनों आप कंडीशन आपके आराम से समझ में आ गई होगी, क्योंकि थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करना भी जरूरी रहता है जब दो सिमिलर कंडीशन आपको पूछी जाए। तो आई थिंक आगे से आप इसके बारे में कभी नहीं भूलोगे, आराम से इस एमसीक्यू को आप अप्रोच कर पाओगे अपने नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। और ये जो पैटर्न मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये स्पेशली किसके लिए बनाया हुआ है, केजीएमयू के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, एक तो डेली डेली टू लाइव टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे मॉर्निंग में, एक तो प्री केजीएमयू का जिसके अंदर आपको 100 एमसीक्यूज मिलेंगे, उसके बाद में इवनिंग में मैंने अभी आपको बताया था डेली टेस्ट सीरीज हम यहाँ पे रेगुलर कंडक्ट करते हैं वो भी, प्लस आपको केजीएमयू का टेस्ट मिलेगा। ठीक है, डेली आपको हर दिन दो टेस्ट देखने को मिलेंगे। और क्या मिलेगा इनमें, नर्सिंग के एमसीक्यूज, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह, इन सब के आपको पैटर्न के, एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग एमसीक्यू मिलेंगे। डेली आपका रिजल्ट का एनालिसिस होगा, और आफ्टर रिजल्ट एनालिसिस जो भी एमसीक्यूज की जो पीडीएफ है उनका आंसर वगैरह आपको सभी रिवीजन के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको वहाँ पे एक नोटिफिकेशन मिलेगा हमारी ऐप पे। तो जो भी स्टूडेंट आप बाय करना चाहे इन सभी को कंसिडर कर सकता है। शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। एमसीक्यू है, ए न्यूनेट वॉज फाउंड टू हैव कैटरेक्ट, एक न्यूनेट को क्या फाउंड हुआ है, कैटरेक्ट, डीफनेस एंड कार्डियक डिफेक्ट। विच ग्रुप ऑफ वायरसेज डज द मदर वॉज इन्फेक्टेड विथ। तो जब न्यूनेट के अंदर क्या फाउंड हुआ है, कैटरेक्ट फाउंड हुआ है, डीफनेस फाउंड हुआ है, कार्डियक डिफेक्ट भी उसमें देखने को मिले हैं, तो कौन से ग्रुप के वायरसेज हैं जिससे मदर इन्फेक्टेड थी, तब न्यूनेट के अंदर ये सारी डिफॉर्मिटीज देखने को मिली है। अरेनावायरिडी, बोनियावायरिडी, फ्लेबीवायरिड या फिर टोगावायरिड। ये एमसीक्यू आपके ईएसआईसी के अंदर पूछा गया था। कौन से वायरस से जो है, ग्रुप ऑफ वायरस से जो है मदर इन्फेक्टेड थी इस टाइम टाइम पीरियड पे, तक इन्फेंट के अंदर इस प्रकार के साइन सिम्टम देखने को मिले आपको। तो देखिए ये जो सारे प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं न्यूनेट के अंदर, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सीआरएस। सीआरएस का क्या फुल फॉर्म होता है, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। अब जो रूबेला वायरस है ये कौन सी फैमिली ऑफ वायरसेस से बिलोंग करता है, ये आपसे पूछा गया है। तो रूबेला जो है किससे बिलोंग करता है, टोगावायरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। तो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के अंदर होता क्या है, ये भी आप देख लीजिए, कंजेनाइटल कैटरेक्ट, सेकंड बात करते हैं तो हियरिंग लॉस, डीफनेस, इसके बाद में कंजेनाइटल हार्ट डिजीज।
ये तीनों यहाँ पे मेन फीचर्स देखने को मिलते हैं जिन मदर को रूबेला से इन्फेक्शन रहता है उनमें। और रूबेला कौन से वायरस से वो फैमिली में रहता है? टोगा वायरिडी फैमिली में। और ये स्पेशली होता कब है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो इससे एमसीक्यू बना हुआ है, तो स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सारे डिफेक्ट आते हैं। अगर मदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्टेड है रूबेला से तो बच्चे के अंदर कंजनाइटल रूबेला सिंड्रोम हो जाएगा और कंजनाइटल कैटरेक्ट डिफरेंस और कंजनाइटल हार्ट डिजीज वाले साइन सिम्टम आप देखने को मिलेंगे। और साथ में यहाँ पे और क्या देखने को मिल सकता है? मिसकैरेज, फीटल डेथ, प्री मेच्योर डिलीवरी, और फिर भी अगर लाइव बर्थ होता है तो वो किसका होगा बच्चा? कंजनाइटल रूबेला सिंड्रोम से वहां पे ग्रसित होगा। इसके साथ में यहाँ से एक एमसीक्यू और बनता है, ऐसे बच्चों के अंदर क्या देखने को मिल सकता है हमें? ब्लूइश या फिर पर्पलिश रैशेस देखने को मिल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लूबेरी मफिन सिंड्रोम। इसे हम क्या बोलते हैं? ब्लूबेरी मफिन सिंड्रोम। तो ये भी एमसीक्यू पूछा गया है। और ये भी कौन कौन से पॉजिटिव एजेंट की वजह से देखने को मिल सकता है? तो ये मिलता है रूबेला। रूबेला का अपन पढ़ रहे हैं तो मैंने साथ में आपको यहीं पे एक एमसीक्यू और बता दिया। साथ में ये साइटोमेगालो वायरस से भी हो सकता है बच्चों के अंदर, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम पे ये सारे रैशेज वगैरह देखने को मिलता है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द नर्स इज इंस्ट्रक्टिंग ए 60-year-old मेल पार्किंसन डिजीज पेशेंट अबाउट प्रिवेंटिंग फॉल। एक नर्स क्या कर रही है? इंस्ट्रक्शन दे रही है 60-year-old मेल को। और मेल किससे प्रॉब्लम है? उसको प्रॉब्लम क्या है? पार्किंसन डिजीज उसको प्रॉब्लम है। तो वो इंस्ट्रक्शन दे किसके लिए रही है? प्रिवेंटिंग फॉल्स, गिरने से बचने के लिए उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय द पेशेंट रिफ्लेक्ट ए नीड फॉर फर्दर टीचिंग। कौन सा ऐसा स्टेटमेंट जो पेशेंट का रहेगा वो ऐसा रिफ्लेक्ट करेगा कि हाँ अभी उसको और ज्यादा टीचिंग की जरूरत है? ऑप्शन क्या क्या है? माई सन रिमूव्ड ऑल लूज रग्स फ्रॉम माई बेडरूम। जो जो भी लूज रग्स वगैरह होती है उसे को मेरा सन जो है वो वही उसको उठा उठा के बाहर रखेगा। आई कैन सिट डाउन टू पुट ऑन माई पैंट्स एंड शूज। मैं बैठ के मेरे पैंट को या मेरे शूज को पहनूं या फिर बाकी का काम करूँ, लाइक जो एक्टिविटीज वाले काम है वो मैं बैठ के करूँ। आई डोंट नीड टू यूज माई वॉकर टू गेट टू द बाथरूम। मुझे मेरे वॉकर की नीड नहीं है जब मुझे बाथरूम जाना है। आई ट्राई टू एक्सरसाइज एवरी डे एंड रेस्ट वेन आई एम ट्राइड। ठीक है, वेन आई एम ट्राइड, मैं जब ट्राइड हो जाऊँगा तब मैं रेस्ट करूँगा। तो देखिए इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन करने वाली बात है नहीं, बस अपना आंसर की बात करते हैं अपन। तो आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? आई डोंट नीड, ठीक है, वहां पे उसको वॉकर की नीड होगी क्योंकि यहाँ पे फॉल से हमें प्रिवेंट करना है, तो वो बिना वॉकर के चलेगा। ऑलरेडी पार्किंसन उसको हो रखा है, ट्रेमर्स वगैरह आ सकते हैं उसको, आते ही हैं पार्किंसन वाले पेशेंट के अंदर। बॉडी रिजिडिटी रहती है, कॉगविल रिजिडिटी देखने को मिलती है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा अपना? सी। बाकी के सारे ऑप्शन ठीक है, बट सी वाला जब वो आंसर करेगा तो उसको नर्स को लगेगा कि नहीं, इसको यहाँ पे इसके लिए टीचिंग दी जानी चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू काफी अच्छा एमसीक्यू है। वैक्सीन दैट रिक्वायर स्ट्रेन चेंज ड्यू टू इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म इज, ठीक है, ऐसी वैक्सीन जिसके अंदर क्या स्ट्रेन को चेंज करना पड़े हमें, ड्यू टू क्यों करना पड़े? बिकॉज ऑफ इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन होने की वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है? वैक्सीन का स्ट्रेन को हमें बदलना पड़ता है। तो वो कौन सी वैक्सीन होती है? हेपेटाइटिस की वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन या फिर इबोला की वैक्सीन? क्वेश्चन आ गया आप सभी के समझ में। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि वैक्सीन दैट रिक्वायर स्ट्रेन चेंज, ऐसी कौन सी वैक्सीन है जिसके अंदर हम इस समय स्ट्रेन को चेंज करने की रिक्वायरमेंट है ड्यू टू इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंजेस आ जाते हैं
टाइमली, तो हमें क्या करना होता है, वैक्सीन भी चेंज करनी पड़ती है, स्ट्रेन वैक्सीन के अंदर जो स्ट्रेन है उसको हमें बदलना पड़ता है ड्यू टू हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, पोलियो या फिर इबोला। क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पे? तो देखो इनमें से कौन सी ऐसी वैक्सीन है जिसके अंदर पीरियडिक चेंजेस देखने को मिलता है उसका स्ट्रेन के अंदर? तो देखो वो वैक्सीन कौन सी होती है, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का वायरस होता है। इसके अंदर क्या होती है, टू इंपॉर्टेंट एंटीजन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन कौन सा होता है, एच एंटीजन, एंड सेकेंड वन कौन सा होता है, एन एंटीजन। ठीक है, एच और एन एंटीजन यहाँ पे देखने को मिलता है। एच का यहाँ पे अपन क्या नाम देते हैं, हीमोग्लुटिनिन, जिसको हम एच से डिनोट करते हैं, और एन से क्या करते हैं, न्यूरोअमाइनिडेज। इसे हम एन से डिनोट करते हैं। अब इनमें क्या होता है, चेंजेस देखने को मिलते हैं हमें, एंटीजेनिक वेरिएशन देखने को मिलते हैं। इसके लिए इन्फ्लुएंजा का जो है स्ट्रेन को भी चेंज करना पड़ता है। अब इनके अंदर क्या होता है, इनकी जो सरफेस होती है उसके ऊपर क्या रहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स, तो इस ग्लाइकोप्रोटीन की सरफेस पे क्या रहता है, हीमोग्लुटिनिन एंड न्यूरोअमाइनिडेज, और इनके अंदर क्या देखने को मिलते हैं, चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसलिए हमें इन्फ्लुएंजा के लिए स्ट्रेन को बार बार हमें बदलना पड़ता है अकॉर्डिंग टू वायरस। बाकी हेपेटाइटिस, पोलियो और इबोला के लिए स्ट्रेन चेंज करने की नीड नहीं होती। और यहीं से देखिए, आपको दो टर्मिनोलॉजी के बारे में आपको बताना चाहूंगा। एक होता है एंटीजेनिक शिफ्ट, दूसरा होता है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट्स। एक होता है एंटीजेनिक शिफ्ट, दूसरा होता है एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। ठीक है, एंटीजेनिक शिफ्ट कब देखने को मिलता है, जब मेजर एंटीजन वेरिएशन होता है। और इस मेजर एंटीजन वेरिएशन की वजह से क्या आ जाए, पैंडेमिक, इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीजेनिक शिफ्ट। और ये किसमें देखने को मिलता है, इन्फ्लुएंजा ए में। दूसरा क्या होता है, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, यहां पे क्या होता है, माइनर वेरिएशन देखने को मिलते हैं। और यहां पे क्या रहता है, बस स्लाइटली आउटब्रेक्स होता है कम्युनिटी के अंदर, इसकी वजह से जो माइनर वेरिएशन देखने को मिलता है इसे हम क्या बोलते हैं, एंटीजेनिक ड्रिफ्ट। इसमें क्या होता है, आउटब्रेक या फिर जो माइनर वेरिएशन होता है वो कैसा होता है, ग्रेजुअल, धीरे धीरे वो क्या होता है, वेरिएशन बढ़ता जाता है। मगर यहाँ पे मेजर एंटीजन वेरिएशन किसमें होता है, पैंडेमिक में होता है, जो बहुत ही जल्दी यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता है और काफी बड़ा अमाउंट में यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता है। तो उसमें क्या रहता है कि पैंडेमिक होने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। और इन्हीं वेरिएशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्ट्रेन चेंज करने पड़ते हैं। और ये ज्यादा अपने को वायरसेस के अंदर देखने को मिलते हैं, बैक्टीरियल प्रॉब्लम में कम देखने को मिलते हैं। आई थिंक आपके ये वाला एमसीक्यू अच्छे से कवर अप हो गया होगा, किसी के भी किसी प्रकार का डाउट यहाँ पे ना रहे। क्लास अच्छी लगे तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर करके जाइएगा, आप लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू, लाइक करते हो तो उससे थोड़ा मुझे आइडिया लगता है कि हाँ भाई ठीक है, बच्चों को क्लास समझ में आई है, तभी लाइक करते हैं। ठीक है, हमें कोई चीज़ पसंद आती है तभी हम उसके लिए लाइक डिसलाइक करते हैं। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, तो ये एक प्रकार का आपका सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू आता है जो मेंस के लिए आपकी प्रिपेरेशन करवाएगा। ए 50 ईयर ओल्ड मैन हैज फाइट विद हिज नेबर, एक 50 ईयर ओल्ड मैन है जो नेबर से फाइट कर लेता है। द नेक्स्ट डे ही फील्स दैट हिज नेबर्स आर फॉलोइंग हिम, रिकॉर्डिंग हिज मूवमेंट, एंड ही फियर दैट दे आर प्लानिंग टू किल हिम।
और अगले ही दिन उसे ऐसा फील होता है पेशेंट को कि उसके नेबर जो है उसको अभी फॉलो करने लगे हैं, उसके मूवमेंट को ध्यान में रख रहे हैं, उनको मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसे अब डर है कि वो उसे मारना चाहते हैं। व्हाट डू हिज सिम्टम रिप्रेजेंट, तो अभी उसके सिम्टम्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं आपको? थॉट इंसर्शन हुआ है, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल देखने को मिला है, डिल्यूजन ऑफ पर्सिक्यूशन देखने को मिला है, फिर डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस देखने को मिला है। क्या रहेगा अपना आंसर? तो देखो उसको क्या हो रहा है कि शक संदेह वाली यहाँ पे कंडीशन अराइज हो रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? डिल्यूजन ऑफ पर्सिक्यूशन। ये एमसीक्यू तो बहुत बार पूछा रहता है डिल्यूजन ऑफ पर्सिक्यूशन के बारे में। डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन पूछ लेते हैं या फिर इस प्रकार का सिनेरियो देके पूछ लेंगे आपको, या फिर आपको पूछ लेंगे कि भाई कौन सा डिल्यूजन का टाइप है, तो स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है वो कौन सा होता है? डिल्यूजन ऑफ पर्सिक्यूशन। तो किसमें देखने को मिलता है? स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू, बाकी डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस और थॉट इंसर्शन ये यहाँ पे करेक्ट नहीं है क्योंकि इनकी डेफिनेशंस अलग होती है। तो देखिए डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या आता है कि उसको पेशेंट को लगता है कि उसका नाम बार बार कहीं पे उसका नाम लिया जा रहा है, या फिर जैसे सपोर्ट फॉर एग्जाम्पल उसका न्यूज बुलेटिन के अंदर उसके नाम डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है, म्यूजिक प्लेड किया जा रहा है तो उसका उसमें नाम आ रहा है, तो मतलब उसका अपना नाम का रेफरेंस या फिर पेशेंट से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ का उसको रेफरेंस मिलता रहता है, उसे हम बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन का क्या मतलब होता है? फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ, ठीक है, तो वो पेशेंट है जो फिक्स्ड रहते हैं, उसके बिलीव्स उसका थॉट्स फिक्स रहेगा वहाँ पे, ठीक है, डिसऑर्डर ऑफ थॉट एंड फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ। डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब होता है कि उसको लगता है कि कोई उसको कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? वो इसे अपने जो स्टेटस देगा कि जो डॉक्टर है वो अपने थॉट्स मेरे अंदर डाल रहा है, थॉट्स है वो मुझे कंट्रोल कर रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, तो उसे हम कहते हैं डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। और जो डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल थॉट इंसर्शन अपना थोड़ा सिमिलर से ही वर्ड्स अपने को साउंड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, चलिए एक और आपके लिए बेहतरीन एमसीक्यू, सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू है, ठीक है, मेंस के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा इस प्रकार की प्रैक्टिस कर पाना। तो देखिए द नर्स केयर फॉर ए पेशेंट हु कम्स टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट। देखो मैं जिस प्रकार से रीड कर रहा हूँ आपको भी, लाइक अगर किसी को ऐसा रहता है कि बड़ा क्वेश्चन पढ़ने में अनईजी रहता है, ठीक है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट अपन खो देते हैं जब क्वेश्चन के लास्ट तक पहुँचते हैं, तो आप भी थोड़ा मेरी तरह पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, मैं भी आपको इसको एकदम सिंप्लीफाई करके मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए द नर्स केयर फॉर ए पेशेंट हु कम्स टू इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सबसे पहले यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर लेनी है। आप ऑफकोर्स आप कंप्यूटर में अंडरलाइन नहीं कर पाओगे, मगर आपको थोड़ा इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है वहाँ पे कि हाँ ये लाइन, ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट विथ सब स्टर्नल चेस्ट पेन, सब स्टर्नल चेस्ट पेन वहाँ पे देखने को मिला है, रेडिएटिंग टू द आर्म एंड जॉ। अब वो चेस्ट पेन हुआ वो कहाँ रेडिएट हो रहा है? आर्म के साइड में, ठीक है, और साथ साथ में जॉ, अपने जॉ पर भी रेडिएट हो रहा है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलती है उस पेशेंट में, एंड फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम। इम्पेंडिंग डूम का क्या मतलब होता है? थोड़ा भी उसको लाइफ थ्रेटनिंग उसको फीलिंग आती है कि उसको ऐसा लगता है कि यार मुझे कुछ होना चाहिए, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ऐसी इम्पेंडिंग डूम वाली फीलिंग बोलते हैं उसको। कई बार बच्चे इस वर्ड से कंफ्यूज करते हैं कि इम्पेंडिंग डूम क्या होता है, ठीक है, सिंपल सा है, तीन लाइन आप समझ चुके हो आराम से। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है, एक्सटर्नल चेस्ट पेन है, हो सकता है वो कार्डियक अरेस्ट का पेन हो, ठीक है, क्योंकि साइन सिम्टम वैसे ही बता रहा है। वाइटल साइन, अब आप देख रहे हो उसके वाइटल साइन असेस बाय द नर्स, ब्लड प्रेशर कितना है उसका 146/72, हार्ट रेट क्या है 128/मिनट, 120 ब्रीथ पर मिनट है, हार्ट सॉरी 120 बीट पर मिनट है, और रेस्पिरेटरी रेट कितनी है 36 ब्रीथ पर मिनट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इतना आपको कंसंट्रेट नहीं करना है इसके ऊपर क्योंकि ये आपको थोड़ा उलझाने के लिए लाइन डाली है। अब आपका एमसीक्यू बनेगा The patient had a previous history of stroke before 1 month ago. अभी पेशेंट को क्या प्रीवियस हिस्ट्री आपने ली उसकी, उसको क्या लेगा? एक महीने पहले उसको स्ट्रोक का दौरा पड़ा था, उसको स्ट्रोक की कंडीशन आई थी। The 12 lead ECG reveals evolving
एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, आपने 12 ली डीसीजी की, आपने देखा उसको क्या हो गया, एमआई का अटैक आया है, विच प्रिस्क्रिप्शन शुड द नर्स क्वेश्चन। अब देखो ये एमसीक्यू आपको इतना से घुमा दिया, इतना आपको ये पूरा आपको कथा सुनाई इन्होंने, और एमसीक्यू क्या पूछा कि कौन सा प्रिस्क्रिप्शन से नर्स को क्वेश्चन करना है कि डॉक्टर को ये प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना चाहिए। ठीक है, आया एमसीक्यू आपके, सबसे पहले पेशेंट कहाँ पे आया, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया, इमरजेंसी डिपार्टमेंट के बारे में इसके आपने साइन एंड सिम्टम देख लिए जो किसके थे, कार्डियक अरेस्ट के थे, फिर आपने क्या कर लिया इसके वाइटल असेस कर लिए, वाइटल असेस के बाद में आपको पूछा गया क्या कि उसको क्या हुआ था रिसेंट में, उसको क्या हुआ था, स्ट्रोक आया था, स्ट्रोक के बाद में आपने 12 ली डीसीजी की, आपने क्या देखा कि वहाँ पे अटैक तो किसका हो रहा है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन का। अब इसके लिए डॉक्टर ने क्या कर दिया, कुछ प्रिस्क्रिप्शन दिया, तो अब इस कौन से प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर नर्स जो है वो क्या करेगी, क्वेश्चन पुट ऑन करेगी। बस इतना सा एमसीक्यू था, ये इतने बड़े आपको लैंग्वेज में आपको बना के दिया, क्योंकि इसे हम बोलते हैं क्या, सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज, जो एम्स ने क्लियरली बताया है कि नेक्स्ट नोट सेट जो आपका मेंस होगा वो आपका 100% आपका सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू होने वाले हैं, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर लाइक दिस एमसीक्यू। ऑप्शंस देखिए, आईवी नाइट्रोग्लाइसरीन, आईवी नाइट्रोग्लाइसरीन दोगे उसको, बीटा ब्लॉकर, बीटा एडर्जिक ब्लॉकर दोगे, थ्रम्बोलाइटिक थेरेपी दोगे, या फिर मॉर्फिन फॉर पेन क्या दोगे इस पेशेंट को। अच्छा एमसीक्यू है, बस आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, आपका आराम से एमसीक्यू करेक्ट हो जाएगा। ये इसको मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ ताकि आपके क्वेश्चन पढ़ने की हैबिट रहे। देखो यहाँ पे आपको कंसंट्रेट किस पे करना है, रीसेंट हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक पे। अब देखिए स्ट्रोक के अंदर तो अपन क्या करते हैं, जब इस्केमिक स्ट्रोक होता है तो अपन क्या करते हैं, थ्रम्बोलाइटिक थेरेपी हम देते हैं, मगर ये स्ट्रोक जो इन्होंने बताया है वो ना तो थ्रम्बोलाइटिक के बारे में, वो ना तो इस्केमिक के बारे में बताया है, ना आपके ट्रॉमा की वजह से स्ट्रोक हुआ है। ठीक है, आपको बस सिंपली यहाँ समझना क्या है कि स्ट्रोक के अंदर हमें क्या करना होता है, थ्रम्बोलाइटिक थेरेपी को कॉन्ट्रा इंडिकेट रखना होता है। बट एमसीक्यू ये नहीं पूछा आपसे कि इस्केमिक स्ट्रोक के बारे में पूछा है, या आपको ट्रॉमा, इसको ट्रॉमा हुआ था फिर आया था वो, इस प्रकार का एमसीक्यू आपसे पूछा ही नहीं है। और देखिए इस प्रकार के एमसीक्यू के अंदर आपका करना है कि स्ट्रोक के अंदर, स्ट्रोक की कंडीशन में अपन थ्रम्बोलाइटिक थेरेपी को अवॉइड करते हैं, क्यों करते हैं, अगर वहां पे प्रीवियस उसकी हिस्ट्री रही क्या कि इंजरी हुई उसको, इंजरी की वजह से उसको क्या हो गया, स्ट्रोक हो गया। अब थ्रम्बोलाइटिक थेरेपी क्या काम करती है, जो थ्रम्बस फॉर्मेशन होता है उसको रिजोल्व करने में। ठीक है, तो स्ट्रोक की कंडीशन में जहां इंजरी हुई थी, अभी 1 मंथ ही डिले हुआ है, ठीक है 1 मंथ ही डिले हुआ है, तो जहां पे भी इंजरी हुई थी हो सकता है वहां पे अभी थ्रम्बस फॉर्मेशन अभी बन रहा हो, काम कर रहा हो अच्छी तरीके से, पूरा हील ना हुआ हो, और हमने वापस थ्रम्बोलाइटिक थेरेपी दे दी, तो वहां से वापस से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। इसकी वजह से अपन यहाँ पे थ्रम्बोलाइटिक थेरेपी को अपन यहाँ पे स्टॉप करते हैं। कब करते हैं, जब बात रिसेंट हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक की होती है, ये आप ध्यान में रखना। यहाँ पे क्या पूछा गया है, रिसेंट हिस्ट्री है, रिसेंट का मतलब क्या, 1 मंथ ही तो अगो है, मतलब 1 महीना कोई बड़ा ड्यूरेशन नहीं होता है, और स्ट्रोक के केसेस के अंदर तो थ्रम्बोलाइटिक थेरेपी अपन देते भी है, ठीक है, मगर वो अभी रिसेंट हिस्ट्री के, एक बार जब स्ट्रोक कवरअप हो जाता है, ठीक हो जाता है, उसके बाद में तो अपन नहीं देते, ऑब्वियस सी बात है। बाकी जैसे आईवी नाइट्रोग्लाइसरीन दे सकते हैं, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर दे सकते हैं, मॉर्फिन फॉर पेन अपन देते ही है, ठीक है, मगर कौन सा आपको क्वेश्चन करना है, तो इन चारों ऑप्शन में से आपका बेस्ट आंसर क्या रहेगा, थ्रम्बोलाइटिक थेरेपी। अब देखिए एमसीक्यूज बनेंगे कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ थ्रम्बोलाइटिक थेरेपी, यहाँ से आपके और यहाँ पे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, थ्रम्बोलाइटिक थेरेपी के क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूँ कि ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर अगर 185 से लेके 110 से अगर ऊपर जा रहा है तो आपको थ्रम्बोलाइटिक थेरेपी वहाँ पे उस पेशेंट में ट्रीटमेंट में नहीं देना है, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, एलास्टिसिटी थोड़ा हो सकता है कि एलास्टिसिटी यहाँ से रेप्चर हो जाए, इलास्टिक वेसल्स रेप्चर हो जाए, क्योंकि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है, थ्रम्बोलाइटिक थेरेपी देंगे तो जो रेप्चर हुई है तो अगर उससे डिजोल्व बनेगा नहीं, क्योंकि थ्रम्बस को तो ये डिजोल्व कर देगा, ब्रेकडाउन कर देगा, ठीक है, तो बीपी के अंदर इतनी ज़्यादा बीपी होगी तो अपन नहीं देंगे।
कोई प्रकार की ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तब हमें जो है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी नहीं देनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो अपना एमसीक्यू बना है वो देख लीजिए, स्ट्रोक को लेके क्या गाइडलाइन है। स्ट्रोक अगर किसी पेशेंट का हो विद इन 1 ईयर ऑफ सेरेब्रल ट्रॉमा और ब्रेन सर्जरी विद इन 6 मंथ, एक साल तो सेरेब्रल ट्रॉमा के लिए और ब्रेन सर्जरी के लिए विद इन 6 मंथ तक हमें क्या करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रखना होता है किसको, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी को। और यहाँ पे तो एक महीने का बोला गया रिसेंट स्ट्रोक हुआ है, तो आपको इन ऑप्शंस के अंदर आपका जो बेस्ट क्वेश्चन वाला एमसीक्यू रहेगा वो रहेगा थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी को लेके। कोई सर्जरी के बाद में आफ्टर सर्जरी विद इन 14 डेज तक आपको जो है थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी काम में नहीं लेनी चाहिए ताकि प्रॉपर तरीके से हील हो सके। हेमरेजिक स्ट्रोक, स्ट्रोक में भी कौन सा अगर पूछ ले, हेमरेजिक स्ट्रोक के अंदर हमें कभी भी थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी काम में नहीं लेना है। नेक्स्ट CPR विद इन 3 वीक्स, अगर किसी पर्सन को 3 वीक के अंदर अंदर किसी का CPR हुआ है तो वहां पे भी हमें थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी को काम में नहीं लेनी है। नेक्स्ट MCQ GI ब्लीडिंग 21 डेज अगो, अगर किसी का 21 डेज से पहले अगर GI ब्लीडिंग हुआ है 3 वीक्स तक उसका ट्रीटमेंट चला है तो उसके लिए भी अपन थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी अपन नहीं देते हैं। बीटा ब्लॉकर तो अपन यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट को, जब अटैक आता है एक्यूट अटैक आता है तो आप बीटा ब्लॉकर तो देते ही हैं अपन पेशेंट को। ये आंसर अपना करेक्ट रहेगा। तो किसके लिए क्वेश्चन करेगी, थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी के लिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताऊंगा मैं आपको, एक और मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का ट्रीटमेंट करना, वो भी कौन सा, ST elevation। तो इसके लिए एक मेनोमिक होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मोना। एम से क्या मतलब होता है, मॉर्फिन देना होता है MI के अटैक में पेन को रिलीव करने के लिए, मॉर्फिन फॉर पेन। ओ से क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। एन से क्या आ जाएगा, नाइट्रोग्लाइसरीन। और नाइट्रोग्लाइसरीन से भी एक और एमसीक्यू बनता है, किसके अंदर देना है, पेशेंट विदाउट हाइपोटेंशन एंड ब्रेडिकार्डिया। ऐसे पेशेंट को नहीं देना है जिनको हाइपोटेंशन ब्रेडिकार्डिया है, इसीलिए मैंने लिखा पेशेंट विदाउट हाइपोटेंशन और ब्रेडिकार्डिया, उनमें अपन क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं नाइट्रोग्लाइसरीन को। नेक्स्ट बचता है ए, ए से क्या आता है, एस्पिरिन। तो ये अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट रहता है किसके लिए, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन वाले पेशेंट्स के लिए। ये होती है क्या, Step 1। अभी Step 2 क्या होती है, प्लेस द क्लाइंट इमीडिएटली फॉर PCI। PCI का क्या मतलब होता है, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जो भी क्लॉग्ड कोरोनरी वेसल्स वगैरह रहती है उनको अपन क्या करते हैं, कोरोनरी जो क्लॉग्ड आर्टरीज वगैरह रहती है उनको अपन क्या करते हैं, डायलेट करते हैं और रीस्टोरिंग ब्लड फ्लो। अपन लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, रीस्टोरिंग ब्लड फ्लो।
इसके बाद में कौन सी स्टेप आती है, स्टेप थ्री। अगर पेशेंट का पीसीआई नहीं होता है, नॉट डन, तो पेशेंट को क्या देना है, एटी प्लेज। एलटी प्लेज टेबलेट हमें देना स्टार्ट कर देना है। अगर एलटी प्लेज भी नहीं होता है तो आती है कौन सा अपना स्टेप फोर आती है। अगर एलटी प्लेज भी अपन नहीं दे पाते हैं तो आपको क्या देना है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। ये तो हम बात करते हैं तब जब क्लाइंट को स्ट्रोक नहीं हो, ध्यान में रख लेना स्ट्रोक नॉट प्रेजेंट देयर, ठीक है। एमसीक्यू की करें, एमसीक्यू में ये आंसर मत गिन लेना आप कि मैं आपको एमसीक्यू का आंसर के बारे में बता रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि एमआई के ट्रीटमेंट की कितनी स्टेप होती है, किस प्रकार से कौन सी स्टेज में क्या करना है हमें। स्टेज से भी एमसीक्यू बन सकता है, चारों स्टेज से, फर्स्ट स्टेज में मोना, सेकंड स्टेज में पीसीआई, थर्ड स्टेज में एलटी प्लेस, फोर्थ स्टेज में स्टेप्टोकाइनेज। ये गाइडलाइन तब हम लेंगे जब पेशेंट को स्ट्रोक ना हो रिसेंट, ओके। बाकी अपना इस एमसीक्यू का आंसर तो आपको पता लग ही गया है क्या रहेगा। थ्रम्बोलाइटिक थेरेपी अपन यहाँ पे अवॉइड करते हैं क्योंकि क्लाइंट को क्या हुआ था, रिसेंट स्ट्रोक वहां पर देखने को मिला था। नेक्स्ट एमसीक्यू, आफ्टर किडनी ट्रांसप्लांटेशन विच ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन इज मोर लाइकली टू हैपन। किडनी ट्रांसप्लांटेशन के बाद में कौन सा ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांसेस रहते हैं, साइटोमेगालोवायरस, एब्स्टीन बेयर वायरस, हेपेटाइटिस वायरस या फिर पोलियोमा वायरस। क्या रहेगा अपना आंसर यहाँ पे, देखिए यहां पे अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा क्या, साइटोमेगालोवायरस। क्या नाम होता है इसका, साइटो मेगालोवायरस। ये क्या, इसका यहाँ पे ज्यादा खतरा रहता है चांस होने का, क्यों रहता है, क्योंकि जब किडनी ट्रांसप्लांटेशन वाले पेशेंट को हम क्या प्रोवाइड करवाते हैं, इम्यूनो सप्रेशन, इसलिए ज्यादा चांसेस खतरा किसका रहता है, साइटोमेगालो वायरस, क्योंकि पेशेंट क्या रिसीव कर रहा है, इम्यूनो सप्रेशन। तो जिन पेशेंट के अंदर इम्यूनो सप्रेशन चलता है तो उनमें न्यूमोनिया की कंडीशन होना भी यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस, ठीक है। इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस की वजह से डेथ भी यहाँ पे पेशेंट की हो सकती है, अगर उस पेशेंट में साथ में क्या हो, एड्स हो। एड्स किसी को था, उसको अपन ने ट्रांसप्लांटेशन किया, ठीक है, ऑलरेडी इम्यूनो सप्रेशन है वो पेशेंट, उसको क्या हो चांसेस हो सकते हैं इंटरस्टिशियल न्यूमोनाइटिस होने के, ये भी एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनता है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू एक और है, वो देख लीजिए, साइटोमेगालोवायरस इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन बोन मैरो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, ठीक है। ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ होता है किसमें, अगर किसी में बोन मैरो का ट्रांसप्लांट किया जाता है तो एमसीक्यू बना हुआ है, एम्स में पूछा भी जा सकता है ये एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। साइटोमेगालोवायरस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन बोन मैरो ट्रांसप्लांट पेशेंट, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करें, अगर साइटोमेगालोवायरस से अगर कोई सेल इन्फेक्टेड हुई है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा हो जाएगा, ओवल्स की जो आईज होती है उस प्रकार की यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलता है इन्फेक्टेड सेल्स का। तो ये कुछ आज के एमसीक्यूज थे जो आई थिंक आप सभी को काफ़ी अच्छे लगे होंगे, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे, आपका नॉलेज काफ़ी बूस्टअप हुआ होगा आज की क्लास को लेके। क्लास अच्छी लगी है तो आप जरूर कॉमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, और डाउट्स हो तो उसके लिए भी जरूर कॉमेंट्स कीजिएगा, लाइक करके जाइएगा अगर क्लास अच्छी लगी तो। तो इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे, आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर्स काफ़ी अच्छा लगा हो, आपका नॉलेज
खूब सारा बूस्टअप हुआ हो। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसके अंदर इससे भी ज़्यादा अच्छे प्रकार के MCQs मैं लेके आऊँगा आप सभी के लिए, और इससे भी बेहतरीन टॉपिक मेरी कोशिश रहेगी कि इससे भी बेहतरीन उसको सेशन बनाया जाए और खूब सारे MCQs हम सोल्व करें साथ में मिलके। कुछ दिनों बाद में जब एग्ज़ाम नियर बाई रहेगा तो कोशिश करूँगा मैं लाइव क्लासेस लेने की, ठीक है। तो वहाँ पर भी अपना और अपना बेहतरीन अपना सेशन चलेगा। अगेन एक रिमाइंडर है किसके लिए, अपनी टेस्ट सीरीज के लिए। क्या रिमाइंडर है, टेस्ट सीरीज किसके लिए, KGMU के लिए, क्योंकि अभी KGMU के जो फॉर्म अब शुरू होने वाले हैं आपके, ठीक है। तो अब ज़्यादा देरी नहीं है, विद इन 1 वीक या 2 वीक मैक्स है KGMU जो है वो फॉर्म आपसे भरवा लेगा, ठीक है, और एग्जाम भी बाद में जल्दी ही करवाएगा, ठीक है। तो हो सकता है नोट सेट और KGMU आपके पास पास में देखने को मिले, तो आपके लिए अच्छा है, दोनों के लिए प्रिपरेशन काम आएगी, ठीक है। और साथ में देखो KGMU का जो पेपर है वो एग्ज़ाम पेपर किस प्रकार का होगा, 60 MCQ आपके नर्सिंग से, बाकी के 10+10+ करके आपके जो MCQ जाएंगे अदर सब्जेक्ट में से। तो अपनी जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर भी आपको कितने पेपर मिलेंगे, टोटल 120 टेस्ट पेपर आपको देखने को मिलेंगे अपनी टेस्ट सीरीज के अंदर। और ये सब कहाँ पे मिलेंगे आपको, हमारी ऐप के अंदर। तो आई ऐप जो है वो कहाँ पे है, प्ले स्टोर पे भी है और iOS के ऊपर भी है। तो जिनके पास में iPhone है, ठीक है, जो अमीर लोग हैं उनके iPhone है तो वो iOS पे डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज दे सकते हैं अपने, ठीक है। और टेस्ट सीरीज के अंदर क्या है, ये जो 60 पेपर है अपने, ये जो अपना 60 एग्जाम पैटर्न है, इसके MCQ कितने बनाए गए हैं, इसके जो टोटल 50 टेस्ट बनाए गए हैं इसके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। और बाकी के जो रेस्ट टेस्ट पेपर है उसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज जो है वो आपको टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो टोटल 120 टेस्ट पेपर है, प्राइस भी हमने इसकी एकदम अफोर्डेबल रखे थे, ठीक है, क्योंकि हम भी कभी स्टूडेंट थे, हम भी कभी पढ़ते थे, ठीक है। तो हमें पता है कि भाई स्टूडेंट जो है वो किस प्रकार से फैमिली को एक टाइम बाद में जो क्या होता है कि फैमिली से भी पैसे लेना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो टाइम हो चुका होता है कुछ बच्चों का, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अफोर्डेबल रेंज है। तो बाकी कुछ भी डाउट्स वगैरह हो प्राइस से या फिर टेस्ट सीरीज से, तो नीचे आपको सपोर्टिव नंबर दे रखे हैं, तो इससे आप बात कर सकते हैं सर से, और इन मैसेज छोड़िए अगर बिजी हैं तो आपको उसका रिप्लाई जरूर मिलेगा कुछ टाइम के अंदर ही। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू सो मच RNCC के साथ जुड़ने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।